अफसोस कि जमाना मेरे दिमाग से काम लेने का कोई सामान न कर सका। गालिब को तो सिर्फ अपनी एक शायरी ही करोना था, नहीं मालूम मेरे साथ कब्र में क्या क्या चीजें जाएंगी। बाज औकात सोचता हूं तो तबीयत पर हसरत व अलम का एक अजीब आलमतारी होता है। मजहब, उलूम फनून, अदब, इंशा व शायरी, कोई वादी ऐसी नहीं जिसकी बेशुमार राहें मुब्दाए फैयाज ने मुझ नामुराद के दिमाग पर न खोल दी हूं। मेरी जिंदगी का मातम यह है कि इस अहद और वक्त का आदमी न था मगर इसके हवाले कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल्आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको और एक बेटे से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पालने वाले शुक्र है तेरा, माशाल्लाह। मैंने इनका तारीखी नाम रखा फिरोज बख्त, कुनियत अबुल कलाम और नाम मुहियुद्दीन अहमद। पसंद आया आपको? यासीन, बाजी फातिमा, हनीफा, सुनिए। नहीं, याद रखिए, एक दिन जरूर आएगा जब हजारों के सामने हम तकरीर करेंगे। अच्छा अच्छा, कहो क्या कहना चाहते हो? तो आप ये समझिए कि हजारों आदमियों के सामने खड़े हम तकरीर कर रहे हैं और लोग हमारी तकरीर सुनकर तालियां बजा रहे हैं। चलिए बजाइए तालियां। मोहिद्दीन, यहाँ हम तीनों के सिवाय तो है नहीं, ये हजारों कहाँ से आ गए? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ओफो, ये तो सिर्फ खेल है और खेल में ऐसा ही होता है। हाँ तो मैं कह रहा था, भाइयों और बहनों, गुलामी की जंजीरें हमको तोड़नी ही होंगी। अंग्रेजों से हमें अपना मुल्क वापस लेना होगा और हम लेकर ही रहेंगे। वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। ओ जाने कहाँ कहाँ आप मारे मारे फिरते हैं और क्या क्या सुनकर आते हैं। बरखुरदार, अपना पूरा ध्यान मजहब पर लगाओ। तुम्हारे जद्दे आला मौलाना जमालुद्दीन मालूम है कौन थे? उन्होंने शहंशाह अकबर को इमामुल हिंद मानने वाले महजर पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। और खुद तुम्हारी पैदाइश मक्का शरीफ जैसे मुकद्दस तरीन शहर की है, वहां से हिंदुस्तान आकर हम इसलिए नहीं बसे कि दुनिया भर की लगवियात में पड़ जाए। मैं जानता हूं तुम नासमझ नहीं हो, बहुत जहीन हो, ऐसे खेल मत खेला करो। और आप तीनों भी मुहियुद्दीन के साथ अपना वक्त जाया कर रहे हैं, चलिए पढ़ने बैठ जाइए। चलो तुम भी अपना सबक याद करो। सचमुच बड़े होकर साहबजादे कहीं लीडर ना बन जाएं। अरे कहाँ चले मुहियुद्दीन? तहज्जुद की नमाज पढ़ने। मुझे अब्बा जान के साथ ये नमाज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।
अल्लाहु अकबर। मौजूद हजरात, आज के महाना मुशायरे का आगाज एक नए और नौजवान शायर जनाब अबुल कलाम मुहिद्दीन आजाद अपनी गजल से करेंगे। आपको ये देखकर हैरत होगी कि मियां आजाद की उम्र सिर्फ 11 साल है। पहले हजरत अमीर मीनाई के शागिर्द थे और अब हजरत दार से इस्लाह लेते हैं। जनाब अबुल कलाम मुहिद्दीन आजाद। आदाब। खुदा नजर वद से बचाए। आदाब। सलामत रहो, जीते रहो। आदाब। इजाजत फरमाइए। मतला पेश करता हूँ। क्यों असीर गेसुए खमदार कातिल हो गया। क्यों असीर गेसुए खमदार कातिल हो गया। क्यों असीर गेसुए खमदार कातिल हो गया। हाय क्या बैठे बिठाए तुझको ऐ दिल हो गया। उसने तलवारें लगाई ऐसे कुछ अंदाज से दिल का हर अरमां फिदाए दस्ते कातिल हो गया। मक्ता मुलाहिजा फरमाए। ये भी कैदी हो गया आखिर कमंदे जुल्फ का ले असीरों में तेरे आजाद शामिल हो गया। क्या है ये? जी रिसाला नहरंगे आलम। आप इसके एडिटर हैं? जी। सुना है अपनी मजमून निगारी और शायरी से सारे शहर में धूम मचा रखी है आपने, और तखल्लुस भी रखा तो आजाद, क्यों? जी बात यह है कि आजाद अलिफ से है ना, तो गुलदस्तों में अलिफ से तखल्लुस वालों की गजलें पहले छपती हैं। मैंने सोचा कि सबसे पहले लोग आपकी गजल पढ़ें। और गुलाम यासीन, शायद आपने भी इसीलिए अपना तखल्लुस आह रखा है। शायरी और एडिटरी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे वक्त बर्बाद होता है। अभी इसकी उम्र नहीं है, इसलिए अभी अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर और सिर्फ पढ़ाई पर रखिए, समझे? पीरो मुर्शिद, आपके इस नाचीज मुरीद के कारोबार में बड़ा नुकसान हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, दुआएं खैर फरमाइए। हम आपके लिए जरूर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखिए और सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। वो बड़ा कारसाज है, कादिर मुतलक है। उस कारसाज के बाद आप ही का सहारा है। नजर कबूल फरमाइए। जी नहीं शुक्रिया, ये किसी मुस्तहक को दे दीजिए। जो हुक्म, मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। बेहतर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए हजरत, मिजाज कैसा है? अल्लाह का करम है। सुना है मोहियुद्दीन चंद ही महीनों में अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे, फिर तो ये मौलाना कहलाएंगे इंशाअल्लाह। यूसुफ जाफरी साहब, दरसे निजामी आम तौर पर लड़के 21-22 साल की उम्र में खत्म करते हैं, मोहियुद्दीन 15 साल ही की उम्र में खत्म कर लेंगे। मरहबा, माशाल्लाह क्या जहानत पाई है, इतनी कम सिनी में पूरे हिंदुस्तान में अपने कलम की बदौलत मशहूर भी हो गई।
हजरत, मेरा मशवरा तो ये है कि इन्हें अलीगढ़ भेज दीजिए ताकि अंग्रेजी तालीम भी हासिल। आप अंग्रेजी पढ़े हुए हैं इसलिए ये मशवरा जरूर देंगे। जाफरी साहब, अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खां का नाम आप मेरे सामने कभी मत लीजिए। मुसलमानों में अंग्रेजी तालीम का चस्का डालकर सर सैयद तो मर गए और हमारे लिए अजाब छोड़ गए। सच पूछिए तो सर सैयद ने बहुत ही दूर अंदेशी से काम लिया, वरना मुसलमान दूसरों से बहुत पीछे रह जाते। लेकिन मुहियुद्दीन ने उर्दू, फारसी, अरबी, फिका, कुरान, फलसफा, उक्लैदस सभी कुछ तो सीखा है। अब तो ये दूसरे तलबा को पढ़ाएंगे, इन्हें अंग्रेजी तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं। जरूरत है, अंग्रेज से लड़ने के लिए अंग्रेज का हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर तिलक, गोखले, बैनर्जी, तैयब जी, सर फिरोज शाह मेहता सभी अंग्रेजी तालीम याफ्ता हैं। होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हर हिंदुस्तानी और हर मुसलमान अंग्रेजी तालीम हासिल करे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। बातें अहमदिया, सर सैयद अहमद खान। खुदा झूठ ना बुलवाए, दो घंटे से ज्यादा हो गए आपको ये किताब पढ़ते हुए। अगर किताब ही पढ़नी थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, घर ही में पढ़ लेते। हाफिज वलीउल्लाह साहब, बस थोड़ी देर और। हम हजरत से कह देंगे कि अब छोटे हजरत बड़े हो गए हैं, हमें इनके साथ कहीं ना भेजा करें। ये भी अच्छी रही, हजरत ने निकाह तो दोनों भाइयों का करवा दिया लेकिन रुखसती हुई सिर्फ जोहरा बेगम की। हम हजरत से कह देंगे कि आपकी बेगम जुलेखा की रुखसती भी वो जल्दी करवा दें ताकि आपको घर से निकलने का ख्याल ही ना आए। मोहिउद्दीन, मैं भी तो देखूं जनाब कौन सी किताब में इतने खोए हुए हैं। आप और सर सैयद का मुतालिया? भाई, मैंने सर सैयद की सारी तहरीरें पढ़ डाली हैं। मैं एक बुत की तरह उनकी पूजा करता हूँ। उनकी अजमत मेरे दिल के रेशे रेशे में रच गई है। उनका वजूद मेरे जहन में फजाइले इंसानी का मुकम्मल नमूना है। मुझ पर उनका बहुत असर हो गया है। मोहिउद्दीन, आपको पता है अब्बा जान के एतकादात और सर सैयद के ख्यालात में जबरदस्त टकराव है। वैसे आमतौर पर मुसलमानों की राय भी उनके बारे में अच्छी नहीं। यही तो उनकी नाइंसाफी है, वो सर सैयद को समझ नहीं पाए। सर सैयद अक्लियत परस्त थे, उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों को लकीर का फकीर बने रहने से बचाना चाहा। वो चाहते थे कि मुसलमान बदलते जमाने का साथ दें, अंग्रेजों की साइंस और दूसरे नए उलूम सीखें। साइंस और नए उलूम का सीखना क्या इस्लामी तालीमात के खिलाफ नहीं है? हरगिज नहीं। कुरान तो कहता है रब्बी जिदनी एवमन, ऐ खुदा मेरे इल्म में ज्यादती कर। और हदीसों में इल्म हासिल करने के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। तो क्या साइंस इल्म नहीं? सुना बेगम आपने, मोहिउद्दीन पर सर सैयद का जादू चल गया और ये नए ख्यालात के नौजवान बन गए हैं। मेरे भाई, जहाँ तक मुसलमानों की नई तालीम का सवाल है, वहमों और रस्मों से पाक साफ इस्लाम का ताल्लुक है, मैं सर सैयद के नजरिए से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन सियासत में उनकी ये पॉलिसी कि मुसलमानों को आज़ादी के लिए नहीं लड़ना चाहिए, मुझे मंजूर नहीं। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलमानों को हिंदुओं के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहिए। तुम सचमुच आज़ाद हो गए हो अपने ख्याल में। मोहिउद्दीन, मेरी पूरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है और खुदा से दुआ है कि तुम्हें इस बारे में अब्बा जान की नाराजगी से
महफूज रखे। जितना मैं अब्बा जान का एहतराम करता हूँ उतना ही अपने ख्यालात की कदर भी करता हूँ। आदावर से। जीते रहिए। आइए मियाँ आइए, तशरीफ रखिए। ये लीजिए। थैंक यू। नॉट एट ऑल। भाई इंग्लिश ग्रामर की दूसरी किताब आपने इतनी जल्दी खत्म कर ली, माशाल्लाह। कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? जी नहीं, आपने मोटी मोटी बातें तो अच्छी तरह समझा ही दी थी, इसलिए पढ़ने में आसानी हो गई। अब एक गुजारिश है। बोलिए। जरूर। ग्रामर के अलावा अंग्रेजी में पढ़ने के लिए कुछ और भी दीजिए, और साथ साथ एक लोहत भी। डिक्शनरी। मियां आप जैसे होनहार शागिर्द पर मैं जितना भी फख्र करूं कम है। ये लीजिएगा डिक्शनरी। यूसुफ साहब, मैं बाइबल और उसका उर्दू तर्जुमा ले जा सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अच्छी तरकीब निकाली है आपने। ये रही बाइबल इंग्लिश में, और ये उर्दू तर्जुमा। लेकिन मियां, अगर हजरत को पता चल गया तो? खुदा ही महफूज रखे। बहुत मसरूफ है आप। हमने आपसे कुछ कहा सुना नहीं आपने? जी, एक अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा हूँ लोहत की मदद से। खुदा की पनाह, तो आप अंग्रेजी का मुताला फरमा रहे हैं। इंजील मुकद्दस उर्दू में और अंग्रेजी में भी? जी, अंग्रेजी में पहले बाइबल का एक हिस्सा पढ़ता हूँ, फिर उर्दू में उसका तर्जुमा देखता हूँ। कलाम पाक तो आपको याद ही हो गया, अब क्या इंजील हिफ्ज करने का इरादा है? अंग्रेजी जल्दी सीखने के लिए ये तरकीब निकाली है। मैं पूछता हूँ, अंग्रेजी सीखने की आपको जरूरत क्या है? मुहिद्दीन, हम कुछ दिनों से बड़ी तब्दीली आप में देख रहे हैं। न तो आप किसी उर्स में शरीक होते हैं, न महफिल मिलाद में, न किसी दरगाह पर जाते हैं, और ना ही आप। अब्बा जान, गुस्ताखी मुआफ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? मैंने बहुत गौर करने के बाद वो सीधा सादा और असली इस्लाम कबूल किया है, जिसकी बुनियाद अल्लाह को एक, हजरत रसूल करीम को उसका आखिरी नबी, और कुरान और सुन्नत को इल्म अमल का सरचश्मा मानने पर है। और इसके अलावा मैं किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं करता। तो गोया आप वहाबी हो गए। मुहियुद्दीन, अब आपकी उम्र ऐसी नहीं कि हम आप पर कोई जबर करें। आप समझदार हो गए हैं, आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, आप जहीन हैं, मशहूर हैं, कोई भी फैसला करने का आपको पूरा हक है। इस फैसले के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो गोया आप अपना फैसला बदलेंगे नहीं? मैं क्या अर्ज करूं? या अल्लाह, इस गुमराह पर रहम फरमा। मेरा इतना काबिल बेटा, इतना मशहूर बेटा किस रास्ते पर जा रहा है? इसे नेक तौफीक दे, इसे नेक हिदायत दे मेरे मालिक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस तरह मैंने अपने खानदान की रिवायत से हटकर मजहब में नई राह इख्तियार की, और आजादी की राह पर चलने का अपनी जिंदगी में
पहला कदम उठाया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। हजरत अल्लामा शिबली। लेकिन मियां साहेबजादे, तुम्हारी तारीफ। अबुल कलाम मोहियुद्दीन अहमद आजाद। तुम्हारे वालिद हैं? जी नहीं, मैं खुद हूँ। तुम मौलाना अबुल कलाम आजाद? सच? ये उम्र और ये कमालात, तुम्हारा जहन और दिमाग तो अजायब रोजगार में से है। इन्हें तो किसी इल्मी नुमाइशगाह में बतौर एक अजूबे के पेश करना चाहिए। बैठिए बैठिए बैठिए। खतों किताबत तो आपसे होती रहती थी, लेकिन मुलाकात बाकी थी। आप जैसी मशहूर और काबिल हस्ती से मिलने की मुझे बड़ी तमन्ना थी। खुशकिस्मती से वो भी आज पूरी हो गई। लेकिन मियाँ, यहाँ बम्बई में कैसे आना हुआ? मैं हिंदुस्तान से बाहर अपने बड़े भाई अबुन नसर गुलाम यासीन आह के साथ सफर पर गया था। इराक में हम दोनों बीमार हो गए, लौट आना पड़ा। पता चला आप भी यही हैं तो। बहुत अच्छा कि आप चले आए, मैं आपको खत लिखने ही वाला था। दरअसल मुझे अपने रिसाले अल नदवा के लिए आप जैसे काबिल और तजुर्बेकार शख्स की जरूरत है। असिस्टेंट एडिटर के लिए लखनऊ में रहना होगा, और मियाँ आप ना मंजूर नहीं करेंगे। हुजूर, आपके साथ अल नदवा के लिए काम करना मेरे लिए बड़े फख्र की बात होगी, लेकिन अभी तो मेरी सेहत ठीक नहीं, मेरा कलकत्ते लौटना भी जरूरी है। ठीक है, आपकी सेहत ठीक होने तक मैं इंतजार करूंगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाएं आप। आपसे मुलाकात करके और अल नदवा की असिस्टेंट एडिटर की खुशखबरी से मेरी आधी बीमारी तो अभी जाती रही, बाकी घर वालों के साथ रहकर ठीक हो जाएगी। मैं आपको फौरन खबर करूंगा। वादा वादा। हिम्मत कवी, दिमाग तवाना, नजर बुलंद, मंजिल हसीन, अज्म जवां, रह गुजर बुलंद। यूं कर गया वतन को बशाने दिगर बुलंद, हिंदू है सरफराज, मुसलमान है सरबलंद। ने रुस्तम अब जहान में, ने साम रह गया, मर्दों का आसमां के तले नाम रह गया।